तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं वारी एनर्जीज के आईपीओ अलॉटमेंट के बारे में। बहुत से लोगों को दोस्तों आईपीओ अलॉट हो चुका है और जिसको नहीं हुआ, बाकी दोस्तों लिस्टिंग से थोड़े दिनों पहले मतलब मेन जो कंपनी की लिस्टिंग है आप लोगों को 28 तक देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो जीएमपी में भी कंपनी की अच्छी खासी गिरावटें चली थी, लेकिन थर्सडे के बारे में अगर हम लोग बात करें तो थर्सडे को कंपनी का जीएमपी में 61 रुपये का उछाल भी देखने के लिए मिला था, क्योंकि उससे पहले कंपनी का जो जीएमपी है 1530 रुपये के आसपास चल रहा था। बाकी दोस्तों सेकेंडरी मार्केट के प्रेशर की वजह से भी कंपनी के जीएमपी में गिरावटें भी देखने के लिए मिली थी, क्योंकि उन दिनों मार्केट का मूड अच्छा नहीं चल रहा था। रही बात दोस्तों सोमवार की, चांसेस तो यहाँ पर दोस्तों ये भी बताए जा रहे हैं, हो सकता है दोस्तों सोमवार को ये मार्केट में आप लोगों को अच्छा खासा डाउन ग्रोथ देखने के लिए मिले। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमने अपने इन्फोटेक अर्निंग वाले चैनल के ऊपर देखा था कि कंपनी अपने सपोर्ट मतलब जो मार्केट है निफ्टी 50 अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है, अगर उसको कंपनी ब्रेक करती है तो हो सकता है दोस्तों गिरावट हो सकती है। अभी रही बात दोस्तों जीएमपी के साथ लिस्टिंग कंपनी की, आप लोगों को 3094 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें आप लोगों को हो सकता है 106% तक का ग्रोथ इस कंपनी के अंदर देखने के लिए मिले। लेकिन दोस्तों सिर्फ जीएमपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं माना जाता इस टाइप के शेयर्स में इन्वेस्ट करना। बाकी अगर आप लोगों को दोस्तों आईपीओ लोट हो गया है तो आप लोग जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, अगर आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और होल्ड रखना चाहो तो होल्ड भी रख सकते हो। बाकी दोस्तों इसकी जो पेरेंट कंपनी है मतलब अभी तो दोस्तों वारी रिन्यूएबल को इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी ही मानी जाएगी, क्योंकि वारी का बिजनेस दोस्तों बहुत बड़ा ग्रुप है। उसके अंदर आप लोग देख सकते हो वारी जो हमारी कंपनी है इसने हमारे को लास्ट के कुछ सालों के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी ये लगभग 50% के डिस्काउंट पर इस वक्त उपलब्ध है। और कंपनी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी दोस्तों एक मिड कैप कंपनी बन चुकी है, जिसका अगर आप लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा महंगे पर इस वक्त मिल रही है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो इस कंपनी ने हम लोगों को रिटर्न बहुत अच्छे खासे दे रखे हैं, 50 से 60% तक का रिटर्न इस कंपनी ने हम लोगों को कुछ ही वक्त के अंदर दे दिया, जो कि दोस्तों एक बहुत ज़्यादा बेटर रिटर्न है। इस तरीके के रिटर्न दोस्तों अनएक्सपेक्टेड रिटर्न माने जाते हैं, बहुत से लोगों को बहुत साल लग जाते हैं इस तरीके के रिटर्न को अचीव करना, जो कि इस कंपनी ने हम लोगों को केवल कुछ ही सालों के अंदर दे दिया। लगभग अगर आप लोग देखोगे 5 सालों में इस कंपनी ने 110,000% तक का रिटर्न दिया, वो तो बस करेक्शन की वजह से अभी के टाइम पे 60,000% तक ये दिखा रहा है। बाकी दोस्तों देखा जाए तो बहुत से आईपीओ अभी के वक्त में भी आ रहे हैं, इसमें से दोस्तों बहुत से आईपीओ जो हैं आप लोगों को एसएमई कैटेगरी में देखने के लिए मिल रहे हैं, और कुछ आईपीओ दोस्तों आप लोगों को नॉर्मल कैटेगरी में भी देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसका आप लोग जीएमपी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे कि अभी के कुछ वक्त पहले हम लोगों ने देखा था होंडा की आईपीओ का जीएमपी इतना खास नहीं चल रहा था, और उसमें लिस्टिंग गेन हम लोगों को देखने की बजाय लॉस ही देखने के लिए मिला। इसके अलावा दोस्तों और भी कंपनीज चल रही हैं, जैसे कि गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, उसका जीएमपी भी ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन कोई भी लिस्टिंग गेन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला खास, लगभग 10% तक का ही लिस्टिंग देखने के लिए मिली। और जो अभी के टाइम पर दोस्तों कुछ नए आईपीओ लिस्ट हुए, जैसे कि केआरएन हीट एक्सचेंज, उसमें 118% तक का ही लिस्टिंग गेन आप लोगों को देखने के लिए मिला। कुछ वक्त पहले दोस्तों मेरा एक ही आईपीओ लगा था पीएन गार्डगिल करके, उसमें मेरे को लगभग 68% तक का प्रॉफिट भी मिला था। बाकी गाइस आप लोगों को क्या कहना है, आज तक आप लोगों को ये आईपीओ लगा या नहीं लगा ये बात कमेंट जरूर करना। चैनल पर तो गाइस सब्सक्राइब कर देना।